उधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या के बाद किश्तवाड़ और जम्मू में हाई अलर्ट है। कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त बल तैनात है। अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या तब हुई जब वो अपनी दुकान से घर जा रहे थे। हत्या का शक लश्करे तैबा पर है, हालांकि पुष्टि नहीं की गई है। 17 नवंबर को किश्तवाड़ में पंचायत चुनाव है। अनिल परिहार चुनावी तैयारियों में जुटे थे। परिहार ने आतंकवाद के खिलाफ तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया था। हत्या से किश्तवाड़ में तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना बुला ली गई है। हत्या से नाराज लोगों ने जम्मू में प्रदर्शन भी किया। हत्या के मामले में अनिल परिहार के दो पीएसओ को हिरासत में लिया गया है। दोनों परिहार के सुरक्षा में तैनात थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या को कायराना हरकत करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ कायर ताकतें, कुछ हताश और निराश ताकतें जो जम्मू कश्मीर के अमन की दुश्मन है, वो इस तरह की कायराना हरकतें कर रही हैं। उनको उनका उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये निंदनीय है और इससे हमें सबक लेना चाहिए कि क्या किया जाए। हर किस्म की पॉलिटिकल किलिंग्स को, आम किलिंग्स को, वो तो मजमूम हरकत है, कंडम करना चाहिए। किसी इंसान का खून नहीं गिरना चाहिए। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर परिहार की हत्या के मायने क्या है। जम्मू कश्मीर फैसला जानने वाली बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि किश्तवाड़ में पंचायत चुनाव होने हैं। परिहार इसमें जुटे थे, लगे हुए थे। अलगाववादी चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। परिहार आतंकवाद के खिलाफ तिरंगा यात्रा में शामिल थे, जिससे आतंकवादी नाराज थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिसके निर्देश पर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। लगातार हो रहे आतंकियों के सफाये से आतंकवादियों, अलगाववादियों में हताशा है, निराशा है। जम्मू कश्मीर में एक साल के भीतर बीजेपी के तीन नेताओं की हत्या की जा चुकी है।